वायरस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अब भरपूर कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिन के लॉकडाउन किए जाने की घोषणा के बाद बागपत प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है। दिल्ली और हरियाणा की सीमा से सटे जनपद बागपत में भी प्रशासन पर संक्रमण नजर आ रही है। हरियाणा और यूपी की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बागपत में बॉर्डर बड़ा पर बाकायदा बैरिकेड रखकर दी गई है। बाहर से लगातार चेकिंग की जा रही है। सभी लोगों से पुलिस द्वारा अपील की जा रही है। सीमा है, सील कर दी गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आपके आ रही है? जो बाहर के व्यापारी थे, जो विदेश के आने जाते थे, भी सब व्यापारी हमारे आ चुके हैं। कोई ऐसे आपत्ति नहीं, बहुत डाउन हो गया। तो सरकार का जैसा कदम है, तो इसमें आप क्या सही मान रहे, कैसे सरकार का कर दिया? सरकार साहब बहुत बढ़िया, ऐसा होना तो बीमारी नहीं फैलती। तो उससे जो ना सावधान रहने के लिए जो ना हमें बहुत सुरक्षा चाहिए उसके लिए। तो जो भी आदमी आए अंदर को तो उसकी चेकिंग होनी चाहिए बॉर्डर पर, और बॉर्डर के ऊपर से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसकी हर तरह से स्क्रीनिंग होकर जब भी जो ना प्रदेश में अंदर जाना चाहिए। ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन कर दिया है और बागपत से जो है हरियाणा की सीमा नजदीक, हरियाणा की सीमा से लगा हुआ बागपत है, तो इसमें सुरक्षा की दृष्टि से क्या इसमें इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के स्तर से? हम लोगों ने पहले ही हरियाणा और बागपत की सीमा पे जो हमारे एरिया थे उनको बैरियर लगा करके रोक दिया गया है और उसको सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। और सब लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकलें, जिससे कि लोग एक दूसरे के आपस में संपर्क में न आए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है आपस में संपर्क से ही जैसा कि पता चल रहा है कि बढ़ रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करें जिससे कि हम कोरोना को हरा सकें। सर, ये जो व्यापारी लोग हैं जो बाहर विदेशों में रहते हैं, कपड़ा बेचते हैं, वे अपने बागपत में प्रवेश हो रहे हैं बमों में, उनके बारे में क्या है? हम लोग जो भी विदेश से आ रहे हैं उनको आइसोलेट करेंगे और उनको चेक करवाएंगे, बिना चेक करवाए उनको घर पे नहीं जाने देंगे, और जो भी नॉर्मल भी होंगे उनको भी उनके घर में ही क्वारंटाइन करने के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्मल भी है, बीमार नहीं है, तो भी वो आपस में घर के परिवार से भी नहीं मेलजोल बढ़ाएगा, बल्कि एक अपने अलग कमरे में ही रहेगा जो स्वस्थ है, और जो बीमार है उसको जिला चिकित्सालय में ले आकर के उसको आइसोलेट करके हम लोग उसका इलाज करें। सर, लॉकडाउन के बाद में क्या कर्फ्यू की स्थिति आ सकती है? सर, बात नहीं, देखिए धारा 144 जिले में लगी हुई है, 4-5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पे इकट्ठा नहीं होंगे, और किसी भी स्थिति में हम लोग उसका जो धारा 144 है उसका अनुपालन कराएंगे। उसमें कोई भी लापरवाही किसी के द्वारा अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई जो भी आईपीसी के तहत होगा उसको भी हम लोग। थैंक यू।